जंतर मंतर पर। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने देशवासियों से की शांति की अपील। धरने में राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए प्रमुख मुद्दा उठाया गया। पार्टी ने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर किया धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने देशवासियों से की शांति की अपील। जनवाद टाइम से मुस्कान सिंह आजाद। देखिए, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आतंकवाद का बहुत पिछले 10 साल से विरोध करती आ रही है। यहाँ तक कि बनारस में बम विस्फोट हुआ था, लखनऊ में हुआ था, महाराष्ट्र में जब हुआ था वहाँ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। वो आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भी हम लोग गए थे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये धरना प्रदर्शन हम लोगों ने इसलिए रखा हुआ है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आए दिन पाकिस्तान प्रायोजित हाफिज सईद जैसा आतंकवादी, उसके साथ साथ कई आतंकवादी वहां पे उपस्थित थे, उसके साथ जो हमारे सैनिकों के पीछे पीछे से वार करता है, सामने नहीं आता। तो मोदी जी वास्तव में हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कुछ काम एक ऐसा किया है, जैसे 370 का और 35A का खात्मा करना, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार में ये समझ लीजिए कि अभी देश का इतना बड़ा फैसला कल आया है जो कि सबके सहयोग से हिंदू मुसलमान सबके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और कोई पक्ष निराश नहीं हुआ। और एक पुराना जो बड़ी राजनीतिक दल उस पर राजनीति भी करते थे, वो अभी कल ऐसा जजमेंट आया जिसमें हर लोग फिट है। तो राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आतंकवाद का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी से कहती है कि 370 35A का खात्मा तो हो गया, लेकिन 40% पीओके में है। पीओके जो हमारे भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान उस पर कब्जा किया है, तो पीओके पर जो है हमारे सैनिकों को ऐसी ताकत दें, उनको समय दें, छूट दें, जिससे हमारे सैनिक इतने काबिल हैं कि घुस करके पीओके कब्जा कर लेंगे। वहीं पर बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान के साथ भी यही हो रहा है, वो भारत में मिलना चाहता है। तो ये मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम दिया हुआ था और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी देंगे। और कुल मिलाकर के इस समय हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, जो हमारे लिए बहुत ही निंदनीय का विषय है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, अभी हाल ही में बाबरी मस्जिद का डिसीजन है, ठीक है, आपने बोला कि बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से राम मंदिर वहां बनेगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि राम मंदिर से अभी मोदी सरकार ने 3 क्वेश्चनों पर प्रेसेंटेड लगा दिया जो उनके पक्ष में गए, 3 तलाक, धारा 370 और राम मंदिर। अब जो आने वाला 2022 का चुनाव है, अब बीजेपी के पास कौन सा मुद्दा बन जाता है, बचता है, जिसको वो आगे राजनीति में। देखिए, बीजेपी के पास सच पूछिए तो मुद्दा तो नहीं रह जाएगा। मुद्दा इसलिए नहीं रह जाएगा कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना आ रहा था, कि लोग कहते भी थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन हमारे देश का जो सुप्रीम अथॉरिटी है उन्होंने जो ये कल का निर्णय दिया है वो सबको मान्य है। और ये मैंने इसलिए कहा कि मोदी जी की सरकार में ऐसा संभव हुआ, ऐसा पाल करने का कार्यक्रम हुआ, तो इसलिए अब कुल मिलाकर मोदी जी को ऐसा चाहिए जो हमारे देश में बेरोजगारी बहुत तेजी बढ़ रही है। पहले ऐसी बेरोजगारी नहीं थी, रेलवे देखिए प्राइवेट होता चला जा रहा है। और फिलहाल अभी हम लोग जो आज यहाँ प्रोग्राम रखे हुए हैं, आतंकवाद का खात्मा, पीओके पर कब्जा करना और दाऊद जैसे आतंकवादी को पाकिस्तान में जाके मारना, जिस तरह से अमेरिका ने लादेन को मारा था उसी तरह से मांगने की मांग को लेकर के आज हम भारत सरकार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृहमंत्री को ज्ञापन दिया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से वो लादेन को मारा अमेरिका ने और उससे मारा, इंडिया अभी तक अगर देखा जाए तो उसका जो अफेटावर पर जो हमला हुआ था उसके बाद से अमेरिका के अंदर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। इंडिया में आए दिन हमला होते रहते हैं, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलवामा देख लो, उसके बाद अभी एक और हमला हुआ था उसे देख लो, और उसके बाद पठानकोट पर हुआ था, ये तमाम हमले होते रहते हैं। इसमें सरकार क्या चुकी है? नहीं, ये सरकार की नाकामी। आपको कह रहे हैं कि बड़े उन्हें पकड़ के लाने चाहिए, दाऊद को मारना चाहिए, आप अपने देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे तो बड़े को कैसे करेंगे? नहीं, ये हर जगह नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो आतंकवादी गतिविधियां वहीं से शुरू होती है, और शुरू कहां होती है? कश्मीर के इर्द गिर्द, जो पाकिस्तान सटा हुआ है, जैसे पाकिस्तान कच्छ भुज में भी है, तो वहां पर हमारी पुलिस सक्रिय है, वहां पर कुछ नहीं हो पाता। अब यह कश्मीर, चूंकि आधा कश्मीर पाक के हिस्से में, आधा इंडिया कश्मीर है, और वह पाक हमारा है न कि पाकिस्तान का है,
तो इसके लिए सरकार को हम चाहते हैं, डिमांड करते हैं वो अपने कब्जे में लेकर के कुछ ऐसी योजना बनाए जो वहाँ के गरीब लोग हैं उनको रोजगार का साधन मिले और भारत में अमन चैन का वो कायम हो, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सब लोग मिलकर परस्पर भाईचारा के स्थान। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने बिल लटके पड़े हैं रोजगार से लेके, लेकिन मोदी जी जिन बिलों को छेड़ रहे हैं, जिन बिलों पर कार्रवाई करवा रहे हैं, उससे जनता को क्या फायदा है? या राम मंदिर बने या मस्जिद बने तो उस जनता को क्या फायदा है? जो रोजगार की बात है अभी तक उन्होंने एक भी बात नहीं कहा है। उन्होंने देखिए जो भी किए हैं अभी तक जो काम अच्छा किए वो मैंने आपसे बताया। क्या प्राइवेटाइजेशन किया दिल्ली का, BSNL खत्म कर दिया, एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया, तो ये रोजगार की जो बात है वो अभी तक कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। आपकी पार्टी भी मुद्दा नहीं उठा रही, आप तो सिर्फ उनको सिरे दे रहे हैं। हम लोग उठाते हैं। मैंने ये क्या कहा आपसे कि धारा 370-35 ये इन्होंने खत्म किया, ये सबके पक्ष की बात नहीं थी। बहुत सी सरकारें आई और गई, इससे क्या है कि कश्मीर में हमारे देश के हर आदमी जाकर के वहाँ जमीन मकान बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। सर ये आपको मैं जानकारी दे दूँ, ये धारा नहीं थी, ये तो आपसे समझौता था। जब वहाँ के वो हरी सिंह जो राजा थे उन्होंने सिर्फ समझौता किया था, कोई धारा नहीं बनाई थी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको अमेंडमेंट करने से मना कर दिया था। जी नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है सच्चाई देखी, जो सच्चाई वही बोल रहे हैं ना। सच्चाई हम क्या बोल सकते हैं, भुखमरी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, बेरोजगारी, मैंने पहले बोल दिया, बेरोजगारी से तो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगार कई ट्रेनें प्राइवेट हो गई, संचार विभाग खत्म हो गया, उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, ये मैंने पहले ही आपसे कहा। चलो ठीक है, हमले होते हैं हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों किए जाते हैं? ये तो देखिए ऐसा है कि सरकार उनकी है, हो सकता है वो कहते हैं भाई ये काम करना है लेकिन वोटिंग से 4 दिन पहले करना है। सरकार उनकी है, अपने सैनिकों को सैनिक दे सकती है, या सैनिक हो सकता है कि मौके पर देखते हो कि आज ये स्थिति है हमारी और चुनाव भी सर पे है तो उसको जोड़ दिया जाता है कि भाई चुनाव के वक्त इन्होंने कराया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, राम मंदिर बना है वहाँ पर देश की ब्लैक मनी कितने % खपत होगी उसमें राम मंदिर में? राम मंदिर बनाने के लिए तभी तो जजमेंट, जिस तरह से नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा पैसा मंदिरों को ट्रस्ट को दिया गया था, अब यार नया राम मंदिर बनेगा भव्य, तो उसमें देश की ब्लैक मनी कितने % उसमें लगाई जाएगी? अभी तो कल का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को ट्रस्ट बनाया जाए, तो ट्रस्ट बनेगा तो ट्रस्ट में पैसा कहाँ जाएगा? सरकार देगी और भावनात्मक रूप से आप देंगे, हम देंगे, मंदिर मस्जिद के लोग देखते ही, जिनने ब्लैक मनी छिपा रखा है तो वो तो उसी का उसी में चला जाएगा ना। मैं आपको उदाहरण दूं, आप अगर कभी गए होंगे ये तिरुपति बालाजी अगर कभी आप दर्शन करने गए होंगे, चैन खोने का खेत के अपने आदमी डाल देते हैं, हमने देखा है, और जेब में पैसा क्या डाल देते हैं, वो भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। चलिए हम भगवान को गोपाल राय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी, जिस समय देश पे आपत्ति आती है, आर्थिक आपत्ति आती है, जो मंदिरों के अंदर जो धनराशि है जो इतनी ब्लैक मनी है, क्योंकि जो आपत्ति के समय वो क्यों नहीं काम में लाई जाती है? देखिए ऐसा है कि हर सरकार अपनी अलग अलग चीज करती है, हम लोग उस ताकत में तो है नहीं मुंह तोड़ जवाब दे सके। हम लोग एक राजनीतिक संगठन जरूर है, संगठन की जितनी क्षमता होती है सरकार का विरोध ही करती है। हमने आपसे पहले ही कहा कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस सरकार में हुई है, इस सरकार में सरकारी संस्थाओं का वितरीकरण बढ़ा है, ये चीज मैंने पहले आपसे बताया। तो जो चीज जिसकी जो क्षमता है वो अपने स्तर से काम करता है, जो जो सरकारें थी उन्होंने अपने स्तर से किया, हम लोग कभी सरकार में रहे नहीं है, न चापलूसी किए न 2 रुपया किसी का। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आप मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही बोल रहे, कोई अच्छे 5 काम गिना सकते हैं सर आप? मैं सिर्फ ये बताया कि मोदी सरकार ने 370-35A का खात्मा किया। क्या इससे देश का विकास हो सकता है? इससे कम से कम ये जरूर है कि जो आदमी हमारे दिल्ली का है वो जाके जम्मू में जमीन लेके बना के अपना बिजनेस कर सकता है। आप कर ही सकते हैं, हमारे पैसा जो गरीब लोग सर खरीद सकते हैं? नहीं, गरीब लोग तो नहीं, गरीब जनता है तो गरीब कौन खरीदेगा जाकर? देखिए गरीब लोग कहाँ खरीदेंगे, जिन पर आज से कल खाने को नहीं वो क्या कर सकते हैं? सेव नहीं खरीद सकते, वहाँ जमीन खरीदेंगे। 15% लोग अमीर है, 85 लोग गरीब, तो वहाँ संभव नहीं है सब अमीर वहाँ जाने से, क्या गरीबी दूर हो जाएगी? ये कम से कम आप अपना तो कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके थैंक यू। लोगों एक काम करते हैं, ओके इसको सही ले लेंगे, आओ सुनो ले लेंगे, नीचे और बढ़ाएंगे, रोशनी आ रही है।
ठीक है ठीक सर। याद करो मेरा भाई किधर है। और जो रामलला का मंदिर था वो भी एक चुनाव कर दी गई जिससे विवाद समाप्त हो गया। हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग एकजुट होकर के उस कार्यक्रम में अपना अंजाम दिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पीओकेपे कब्जा करो, पीओकेपे कब्जा करो, पीओकेपे कब्जा करो, हाफिज सईद को फांसी दो, हाफिज सईद को फांसी दो, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाफिज सईद अजहर मसूद को फांसी दो, हाफिज सईद अजहर मसूद को फांसी दो, हाफिज सईद को फांसी दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने बराबर मुकाबला किया है। यही नहीं लखनऊ में भी किया है और जम्मू कश्मीर में भी जाकर के किया है। ये पैनल भी जरा आप लोग दिखाइएगा। हाफिज सईद को फांसी दो, आतंकवाद मुर्दाबाद, हाफिज सईद को फांसी दो, पीओके पे कब्जा करो, पीओके पे कब्जा करो, पीओके पे कब्जा करो, कब्जा करो। ठाकुर अश्वनी चौहान अवनीश चौहान जी जोरदार ताली से स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पर बैठे सभी छोटे बड़े सभी भाइयों को नमस्कार। पत्रकार बंधु जो भी हमारे यहाँ आए हुए हैं तो नाम उनको भी नमस्कार। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है यहाँ पर आने का, जैसे कि बगदादी खत्म किया गया, आतंकवाद पे आतंकवाद को बहुत जड़ से खत्म किया गया है, तो वहाँ पे शहीद भी है उसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि वो हमारे जम्मू कश्मीर में दिन प्रतिदिन हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत शर्मनाक है कि हमारे सैनिक मर रहे हैं और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि सभी भाई मिलके इस चीज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं ताकि जो आतंकवाद हो रहा है वो कम कर सकें, उसको जल्द से खत्म करें। पीओके अधिकृत जो जमीन है, जो धरती है, वो हमारी है। वो किसी गलत गतिविधियों के चलते हुए उन्होंने कब्जे में लिया है। हम चाहते हैं कि हमारी जमीन वापस आए, क्योंकि वो हमारा है तो हमारा ही रहेगा। भले ही उन्होंने कब्जा में लिया है लेकिन हमें इतनी क्षमता है, अगर हम ही लोग सभी लोग साथ चले और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सहयोग हो तो मुझे लगता है वापस बिल्कुल आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि वो मेरा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो ये प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जमीन अगर हमें वापस मिलती है जो बहुत वर्षों से कब्जे में है, तो ये बहुत बड़ा एक काम होगा जो कि हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। आतंकवाद, पाकिस्तान, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, जय हिंद।